ये आपकी जीवन है और उसे आपको ही बनाना होगा। आप अपने जीवन को अपने विश्वास से ही सजा सकती है, और अगर आप एक अच्छी जिंदगी वाकई में चाहते हो तो फिर आपको ही वो बनाना होगा। आप अगर इस मीडियोक्रिटी की जेल से बाहर आना चाहते हो तो फिर समय रहते आपको ये सिद्धांत लेना ही होगा। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करना सीखो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपके दुश्मन आपके विरुद्ध वो इस्तेमाल करेगा। आपने देखा होगा आसपास के बहुत सारे लोग किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं दोष देने के लिए। वो लोग यही कहते हैं, आज जो हाल में वो है उसकी वजह ये है, और लोगों को दोष देकर कहते हैं इसके वजह से ही वो उस मुकाम में पहुंच ही नहीं पाए जहां पर वो पहुंचना चाहते थे। वो लोग बस यही सोचते थे कि उनके दुश्मन उनके बाहरी दुनिया में है। बहुत लोग उनके जीवन की स्थिति को लेकर खुश नहीं है। बाहरी दुनिया के किसी को दोष देकर वो कहते हैं कि इसके वजह से ही उनकी आज ये हालत है, लेकिन असल में बहुत कम ही ऐसा होता है जब दुश्मन इंसान के बाहरी दुनिया में होता है। ज्यादातर समय पे आपके दुश्मन आपके मन के अंदर ही बैठे हुए रहते हैं, और आपको इस दुश्मन से ही लड़ना होगा। आपको अपने दिल से सारा संदेह मिटा देना होगा। आपको अपने मन से सारा डर निचोड़ लेना होगा। आपको अपने दिल से हर एक नेगेटिव थॉट्स को ही मिटा देना होगा। आपको लोगों को दोष देना बंद करना होगा और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। आपके मन के अंदर से कमजोरी को दूर भेजना होगा। आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है और खुद के वैल्यूज को समझना है। आपको बार बार रिजेक्टेड होना होगा, पर फिर भी आपको आगे चलते जाना होगा। आपकी मन एक रणभूमि है जहाँ पे आपके दुश्मन है आपकी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस नेगेटिव सोच। आप अगर जीवन की युद्ध को जीतना चाहते हो, आपको उन सारे सोच के साथ लड़ना होगा और हर एक नेगेटिव सोच को दिल से पूरी तरीके से मिटाना होगा। आपको एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, उन सारे नेगेटिव सोच का सामना करना होगा, और उस जिंदगी को आपको छीन लेना होगा जो जिंदगी आप चाहते हो। अब आप खुद से कहो कि मैं सारे संदेह को दिल से मिटा दूंगा, मैं सारे डर को भी मिटा दूंगा, मैं नेगेटिविटी को भी मिटा दूंगा, मैं लोगों को दोष देना बंद कर दूंगा, और मैं अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करूंगा। मेरे मन में जो कुछ भी सोच है भावनाएं है वो बस मेरा ही है। मैं अपने मन की कैप्टन हूँ। कोई भी मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी मैं करूंगा मैं खुद ही करूंगा, और जब मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा मैं खुद ही खुद को बैकअप करूंगा। आपका दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर है। आप लड़ाई करके इस दुश्मन को कभी भी हरा नहीं पाओगे, बल्कि आपको बेटर बनकर उससे लड़ना होगा।